जिस तरह से इमरान खान अभी दुनिया में चलकर इस्लामों की टॉपिक पे उठाकर इस्लाम से रिलेटेड टॉपिक उठाते हुए मलेशिया और तुर्की से क्लोज करने की कोशिश करती है, उसी तरह से उसी के स्पीड से सऊदी अरबिया उनसे दूर होने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट होने के कगार पे आ चुका है। आपको सबसे बड़ी खबर देते चलूं कि आपको जब यूएन स्पीच के लिए इमरान खान यूएस गए थे उस समय सऊदी अरेबिया की फ्लाइट से उन्होंने अमेरिका के लिए गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास डायरेक्टली कोई फ्लाइट अमेरिका के लिए चलती नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उनको रिटर्न होना था, 5 घंटे जर्नी करने के बाद इमरान खान की फ्लाइट को बैक अमेरिका करना पड़ा। तो उस समय मीडिया रिपोर्ट ये आई थी कि उनकी फ्लाइट में कोई खराबी आ गई थी, लेकिन द फ्राइडे मैगजीन के अनुसार ये डिक्लेयर किया गया है कि वो कोई खराबी नहीं आई थी। सऊदी अरबिया पाकिस्तान से इतना नाराज चल रहा है, वहां के प्रिंस इतने नाराज चल रहे हैं कि बीच रास्ते में पायलट को ये इनपुट मिली कि उन्हें बैक टू अमेरिका जाना है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जिस तरह से पाकिस्तान ने मेडिएशन का रोल करने की कोशिश की, जो सऊदी अरबिया को ना गवार गुजरी है और वो पूरी तरह से पाकिस्तान से खफा है। क्योंकि इस तरह के टॉपिक अगर आप कहीं किसी के बीच मेडिएशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको दोनों पक्ष जानना जरूरी है। क्या सऊदी अरबिया जिस तरह से उनके रालको के पेट्रोल बंकर पे अटैक हुए थे और उसके बाद रिलेशनशिप और ही खराब हो चुके हैं, और इस तरह के सिचुएशन को इमरान खान को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो इंटरनेशनली हैंडल उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आई, क्यों सऊदी अरबिया नाराज हो गया है उनसे, कि जिस तरह से वो मुस्लिम उम्मा की कंट्री जैसे तुर्की मलेशिया इसमें एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामोफोबिया को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे सऊदी अरबिया में जितने भी इस्लाम के पवित्र स्थल हैं वो सऊदी अरबिया में पाए जाते हैं और उसे साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि सऊदी अरबिया इसी के लिए जानी जाती है। तो इन सारी मुद्दाओं को लेके पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खपा चल रहे हैं, इमरान खान की टीम से बहुत ज्यादा खपा चल रहे हैं सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान, और इसी कारण से उनकी इस तरह की बेइज्जती हो गई कि उन्हें फ्लाइट रिटर्न करने का हुक्म देना पड़ा बीच रास्ते में, और उसके बाद पाकिस्तान नॉर्मल फ्लाइट लेके फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वापस आए। और इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि मांग के तो आप फ्लाइट ले ही गए, और मांग के जब आप ले जाते हैं तो आपको इसी तरह के रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस तरह के न्यूज को खंडन कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर ये न्यूज आपको अच्छी लग रही हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें अभी के अभी। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपको अगली खबर के साथ।